भैया बहुत बुरा गर्जत तड़कत है, और जब गर्जत हो जाता है तो बहुत डर लगता है, घर छोड़ के जाए मन नहीं करते हमारे। अक्सर देहात में ऐसा होता है, ऐसा लोग देखे पावत है, लेकिन हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आप लोग कैसे, उम्मीद कैसे कि आप सब ठीक हो। तो भाई आज का सीन जो होने वाला है ये कि आज हमें यकाई हर हाल में छावा है। कल हम फोन किए हैं दिन में तो कहें भैया ना आ पे हम चुटाए गए हैं, ऑपरेशन करवाए हैं थोड़ा के कि चित के। हम कहें चल ठीक है भाई, कोनो बात ना है, ना आवाज सवेरे आओ। घर के जितना भी काम रहा सारा एकदम से मैनेज हो गया, सब ठीक ठाक हो गया है। अब जोन है तो आगे का होने वाला है वो सब हम अपने वीडियो में यहाँ दिखाई। तो स्वागत है आप सबके हमारे YouTube चैनल राइडर UP 47 में। तो चलित है आज के वीडियो हम शुरू करी थे, जोन कुछ है पूरे दिन के अपडेट, उस सारा अपडेट हम अपने वीडियो में यहाँ दिखाई थे। अभी छत वाला जितना कबाड़ है सभी सब ऐसे जहाँ बेहो पड़ा है एकदम ऐसा। यह आ जाते शहाबुद्दीन और बाद में वो छाई देते, काम पूरा हो जाता कंप्लीट। यहो पे एक पतरा लागे है, यहो लाग जात। बाकी तो भैया रात भर यही गुजारिश है अपन काकरी पल्ला फाटक यूँ लाग जाते एकदम से खिड़की उड़की बस ठिका जाते एकदम ऐसा। कल जोन है हम आप लोगों के यहाँ लेके गए हैं उधर खादर साइड में, यहाँ जहाँ बाढ़ आवा रहा, जहाँ पानी के एकदम से पूरा जान लो कि सैलाब रहा, लोग स्टीमर से आवत जा रहे अपने घरों में यहाँ। और वक़रे बाद पूरा गांव उधर के जितना रहा सब एकदम से डूबा रहा पानी से, हम दिखाए रहे बाढ़ वाले में यहाँ। लेकिन कल हम गए हैं तो कल का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा, पूरा एकदम से जस मैदान होते वैसे मैदान पूरा एकदम से नज़ारा आवत रहा। लेकिन भाई वो मंजर देख लियो अगर हमारे वीडियो में यह जे नहीं देखे है बाढ़ वाला, दिमाग ख़राब हो जाए। यह मेर के बाढ़ रहा, यह मेर के पानी रहा, अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखें। लेकिन बाढ़ के बाद में कलिया हम वही जगह पर यहाँ गए रहें, देखें काफ़ी अच्छा लग। धान के जितना भी फसल रहा सब जान लो बेचारन के एकदम से बर्बाद हो गया रहा, बिलाई गए रहे जानो कुछ भैबे नहीं किया। गेहूँ ऐसे है तो गेहूँ खैर लगा है, लेकिन वो अगर लेट में हो तो शायद ना हो पाओ। पानी बहुत जल्दी खसक गया रहा हफ्ता 10 दिन 15 दिन में, लेकिन 15 दिन लोगों के लिए जान लो कि वो दिन जहन्नम की ज़िंदगी रहा। यह मेर के लोग मतलब परेशान रहे, बेहाल रहे, खाना पानी जो कुछ भी रहता रहा तो उन लोग स्टीमर से पहुँचावत रहे, जो ज़रूरत की चीज़ रहा था वो ज़रूरत की चीज़ उन्हें उनके घर तक दिया जाता रहा। बहुत सारा वीडियो ऐसा पड़ा है नीचे, आप बरसात में 4-5 महीना पहले के जाके देख सकते हो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर वाले में यहाँ हम बहुत सारा वीडियो मतलब डाले हैं बाढ़ वाला, जो मतलब हो सकता रहा वो सब हम लोग किया गया जाए जाए उनके घर तक। हम भाई कटैया भारी गए रहन एक जगह पड़त है, वहाँ बाढ़ बहुत ज़्यादा रहा। अब बांस के लंबाई आप अंदाज सकते हो कि कितना बड़ा हो सही, और नाई से मतलब वह गाँव पर यहाँ जाए पड़ा रहा। लेकिन बसवा से जब मतलब नैया काबले तैरावत रहे, अब जब बसवा जमीनिया में है पनियम रखत रहे तो पूरा बसवा एकदम से बुड़ जाता रहा। सोचो अगर पलट जाती तो कौन हाल हुआ था। उमान बहुत से लोग ऐसा भी रहते हैं कि जो तैरे नहीं जानते हैं, पौरे नहीं जानते हैं उनके क्या हो। हम तो खैर जानी थे, लेकिन इतना लंबा बाढ़ रहा, इतना लंबा का पानी नजर आवत रहा, हमार भी हालत ख़राब हो जाते, काफ़ी डर लगा था। लेकिन फिर भी हिम्मत है मर्दा तो मर्द है खुदा, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हिम्मत किया। और उसके बाद में जो जो लोगों ने मतलब हिम्मत दिखाई लोगों के लिए, उनकी परेशानियों के लिए, मैं उन सबका आभारी हूँ कि ऐसे सिचुएशन में भाई मदद करना चाहिए। तो आगे के जो सीन है भाई वो सब दिखाई थे, फिर मौका मिली अगर उकरे आगे जाए के यहाँ तो वहाँ के वीडियो हम आप लोगों का दिखाई भाई ज़रूर कि हाँ बाढ़ के टाइम पे यहाँ कैस रहा और अब कैस है। हमारे पास वीडियो हुई तो हम क्लिप जरूर दिखाई वो बाढ़ वाला, और नहीं हुई तो खैर हमारे वीडियो जाए के नीचे देख सकते हो सकता है कि हम लिंक ही दे दी नीचे और वह देख लियो, या फिर आई बटन में यहाँ हम दे दिए वो वीडियो वह देख लियो आप लोग कि हाँ मतलब बाढ़ कौन मेर के रहा। आज भाई लोग हम आप लोगों के कुछ दिखावा चाहिए थे नया चीज़ ही। अक्सर देहात में ऐसा होता है, ऐसा लोग देखे पावत है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा है हाँ। तो चलो दिखाई थे वही आवत थी आप लोग। भैया रोड वाला ट्रेन नहीं देख रहे, देख ले रोड वाला ट्रेन हो, ये देखा था कितना लंबा बोगी है। वाह भाई वाह, जबरदस्त ये
हमारे देहात में ऐसे कुल लात है, गन्ना लादे वाली ट्रैक्टर हुआ है, देखो कई के तू जोड़े आए भाई लोग। कुछ भाई लोग वहाँ सिद्धार्थ नगर से आए रहे तो रास्ता में मुलाकात हुई है, तो भाई सबसे सलाम दुआ उसके बाद में फोटो वोटो वहाँ पर खिंचवा उचवा हो गया है। तो भाई लोग पूछे लगे कि भैया इमिलिया हमें जाएगा, तो इमिलिया तो खैर कम्प्लीट नहीं हुआ बन के, तो उन्हें रास्ता में बताई दे वही लोग भैया गए हैं और चले थे पहुँचे थे हमहूँ सिसवा का बोले सब लोग बैठा है खाली हमारी इंतजारी होते तो हमहूँ पहुँची अपन दस्तक दी वहाँ देखी क्या होते आज। हमारे घर के लड़के भैया सवेरे सवेरे भुखाए जाते हैं, देखो ये देखो वीडियो लगा है, आज मौसम जो रही बड़ा रंगीन है यार, बहुत खराब मौसम, चारों तरफ से बादल एकदम से छाया है और फसल के कौन हाल हुई अगर बरस दीस हुई बढ़िया से तो जान लो कि सब बिला आ जाई। गाल वाला जोन वीडियो राम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए रहन, तो हम कहें चलो टाइम अगर नहीं मिला है तो आज का हम कंप्लीट कर दे। तो भैया काल के आवाज़ मिलाए के ब्लॉग हम शुरू करी थे और अगर थोड़ा मौसम अब सही भवा तो आज हम चली थे जंगली शाह बाबा के मजार पर, यहाँ जो हम बताए हैं अपने वीडियो में यहाँ एक दिन, लेकिन आज टाइम है लेकिन बीच में ये मौसम के बाधा है, मौसम के रुकावट है भैया, बहुत बुरा गर्जत तड़कत है और जब गर्जत हो जाता है तो बहुत डर लागत है हमारे, घर छोड़ के जाग मन नहीं करते हमारे, इंतजार करी थे देखी थे मौसम कुछ खुलत है तो ओकरे बाद में निकली थे, बातचीत कर लिए भाई लोग इनसे कहीं नहीं ठीक है आओ ओकरे बाद में चला जाए, तो भी देखो आगे का होता है, मौसम ऐसे रहता है कि मौसम में कुछ चेंजिंग होता है, धूप होता है का होता है, उस सारा चीज़ हम अपने वीडियो में दिखाई थे। चलो फिर ये हमारा सबसे चंट लड़का चंट, ये चंट बिटिया चंडाल ही देख सको, तो भैया नावडी चौराहा पे पहुंच गए हैं लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब यही दिला हमार कहा था कि यहीं से वापस हो जाए घरे हम और जाय मन नहीं करते हैं, और फिर भाई लोग के मतलब थोड़ा सिचुएशन अजीब लागत है, तो वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो, चैनल पे यहाँ पहली बार आया तो चैनल के यहाँ सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो आगे बढ़ाओ, फिर मिलते हैं कोई ऐसा ब्लॉग में यहाँ, तब तक के लिए बाय।